नहीं सच्ची में मेरे को ऐसा स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई नहीं क्या, तो मतलब ये भी ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का मतलब फटे से नहीं क्या, अनएक्सपेक्टेड था तो। पर ऐसा सीन था कि मम्मा एक तो तू जितना मांगता एक तो मैं जितना मांगता, हम लोग ने घर में सोच डाल लेते नहीं क्या, वो घर में बिठाए थे तभी। तो मतलब मेरा भाई उसको अल्लाह भी कामयाबी दे, पर मेरे को किधर तो भी थोड़ा ये हो रहा नहीं क्या। आपको नहीं लगता जैसे आप जीते हैं वैसे ही आम लोगों का प्यार भी जीत गया है, जो आपके साथ एक आम भारतीय होता है जैसे हिंदी बोलना पसंद आता है हिंदी और वो उस बात की उस इमोशन की जीत गई है? देखने गए तो बहुत बहुत कुछ चीज़ों की जीत हो गई ली मैं, रैप कम्युनिटी की मतलब बहुत कुछ लोग, और मतलब जितने भी गली बिल्ले बस्ती वाली पब्लिक है, क्या बोलते हो पब्लिक, वड़ा पाव वड़ा पाव, अक्षय पटेल रखे ढकेल। तो मेरे को ऐसा लगता क्या मालूम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो शायद से लोगों को नहीं क्या पसंद आई, मेरी एक दो चीज़ें रहेंगी शायद से, क्या मालूम अभी मेरे को मालूम नहीं कि क्या पसंद आया। अलहम्दुलिल्लाह जो भी है आप लोग का प्यार है भाई लोग आप लोग के। हाँ वो बहुत भलता क्वेश्चन है ये। लाला मेरा बहुत भलता विषय था, मतलब नहीं कि स्टार्टिंग में मेरा बहुत एड भग रहा था कि नहीं कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं ऐसा था कि डे वन पेज नहीं कि सब लोग उठ के नाच रहे, तो मैं ऐसा था कि अरे क्या विषय, मेरे को लगा रूल है नहीं क्या वो। तो मैं बोला यार मेरे को बहुत अलग फील हो रहा है क्या ब्रो इधर, मेरे को डे वन से बहुत अलग फील होने लगा। एक दो हफ्ते हो गए, फिर साहिद सर नहीं क्या अपने साहिद सर अपना शिव भाई ये लोग अब इन लोग ने क्या, फिर मेरा दिल लगने लगा थोड़ा थोड़ा, पर मेरे को समझने का नहीं क्या क्या चालू है क्या नहीं। पर अभी मतलब एंडिंग एंडिंग में आके समझा, अभी घर पे जाने का था तो कॉन्ट्रैक्ट का विषय था ना, तो घर पे नहीं जाने दिए, तो फिर मैं बोला उम्मीद ही छोड़ डालता अभी नहीं कि जिधर तक जा रहे उधर तक क्या विषय, अभी लोग का प्यार है बाकी कुछ नहीं। अभी हाल ही में आप जब वहाँ पर खड़े थे विंडो पर, आप जब एक गैलरी जैसा जो स्टेज था वहाँ खड़े थे, वहाँ शायद आपने पहली बार बोला था हाँ मुझे जीतना है, क्या वो हाँ तब से शुरू हुआ था या बाद में बीच में कभी ऐसा मौका पड़ा था आपका? हाँ मेरे को सही में ऐसा लगता है कि बोलने से मतलब नहीं होता ना कि स्टार्टिंग से बहुत पब्लिक बोल रही है अरे मेरे को जीतने का मेरे को जीतने का मेरे को जीतने का, मैं ऐसा था कि अपने पे नहीं मेरे अपने हाथ में नहीं था ना वो, मतलब वो अपने नहीं क्या अपने हिंदुस्तान के हाथ में था बाकी कुछ नहीं, तो ऐसी जिंदगी अपनी पब्लिक के हाथ में वो मैं जीतना, तो मैं अगर बोला रहता बार बार अरे मेरे को जीतने का मेरे को जीतने का, तो मतलब क्या हो मेरे को खुद को लेम लगा रहता कि अरे क्या बोल रहा मैंने क्या ये क्या चीज़ है ब्रो। और एक टाइम ऐसा आया था कि शिव और मेरी डिस्कशन भी हो गई थी, हम लोग बात कर रहे थे कि बाय बोले नहीं क्या कि एक तो तू जितना मांगता एक तो मैं जितना मांगता, तू डायरेक्ट ऐसा बोलता कि अरे नहीं मेरे को नहीं जीतने का है मेरे को घर पे आने का है, ब्रो ऐसा मत बोल अभी जब तक है इधर तब तक तू ये तो कर। और भाई को मैं नहीं क्या शिव भाई ने मेरे को बहुत हक से बहुत संभाल लिया है, अभी वो किसको मालूम नहीं हम लोग घर में कैसा रह रहे थे कैसे शिव को लेके कितना डिसअपॉइंट हुए आप ब्रो, यार काफी डिसअपॉइंट बुरा लग रहा है लोगों से एक्सपेक्ट काफी शिव थे कि आपको आपको लगता है कि शिव आगे ज्यादा डिजर्विंग था? हाँ, मतलब पर ये पर्सनालिटी का शो था शायद से नहीं क्या, मतलब वो शो बहुत अलग चीज़ पे आधार था, और अपना भाई बहुत नेक दिल ऐसे नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है वो डिजर्व करने का ट्रॉफी ब्रो ने क्या मेरे से ज़्यादा, भी कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में वोट्स की वजह से शॉर्ट हो गया अभी भाई, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता ना लाला। अंकित ने कहा कि अगर स्टैंड ट्रॉफी डिजर्व करता है तो मैं भी रियल था मैं भी डिजर्व करता हूँ। हाँ वो तो सब करते ना वैसे कि देखने गए तो, मतलब 16 के 16 लोग कर रहे थे फिर 16 ट्रॉफी थोड़ी बने ली, मतलब वैसे देखने गए तो। हाँ भाई बहुत लोग क्या मतलब बहुत लोग के कंधे पे नहीं क्या हिप हॉप ऐसा नहीं है, बादशाह भाई हो गए हनी भाई हो गए नहीं क्या, बहुत लोग डिवाइन डिवाइन हो गए अपने भाई लोग उनके भी बहुत कंधे पे, लेकिन क्या मालूम जितना मेरे से फैलाना हो रहा भाई, मतलब नहीं क्या अपने स्लैंग बिंग में बोल के नहीं क्या अपने वाली पब्लिक को कनेक्ट करके नॉर्मल लोग को कनेक्ट करके जितना भी मैं फैला सकता फैला शो में भी, मतलब मैं वो मोटो से ना आया था मम्मा ने क्या देखने गए तो। टू बी ऑनेस्ट लोग कह रहे थे हाँ आपने थोड़ा सा प्रियंका को कास्ट करने वाले हैं आप अपने म्यूजिक वीडियो में,
उधर क्या काम है ब्रो, घर में क्या हुआ? मतलब सिर्फ बात करे ले ना चार महीना भाई, तो बात ही करा मैंने भी बोला अभी लो उड़ते उड़ते तीर ले रहे तो उड़ते उड़ते बात ही करता नहीं कभी, मैं क्या करूँ भाई ने क्या। अब क्या कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप डिजर्विंग नहीं है क्योंकि आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं है तो मेरे को नहीं मालूम क्या करने का रहता पहली बात अंदर ने क्या, मतलब बहुत लोगों ने बोले करना होता है किया। मतलब झगड़े मेरे को ऐसे लगता मतलब झगड़े 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 कर हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी गर्लफ्रेंड है मेरी भी अम्मी क्या सॉरी क्योंकि आप काफी स्ट्रांग थे बट आपकी इमोशनल साइड आपका ज्यादा दिखा था बिग बॉस के गेम में, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? नहीं 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 एक टाइम पे कैसा होता भाई तुमको भी मालूम रहेगा, एक टाइम पे अपन आके नहीं क्या मतलब वो आंसू बिसू निकलने का बंद हो जाता नहीं क्या, अपन पेनलेस हो जाते नंब हो जाते, तो दिन पे दिन मेरे थोड़े विक्स पे विक्स नहीं क्या थोड़ा वो वाले शॉर्ट हो गया, बाथरूम में रहने का अकेले में जाके लेकिन भलता विषय वो मतलब मंडली को लेके क्या क्या कुछ विचारधारा है आपके आगे किस तरह से मंडली को लेके कोई गाना आएगा या फिर कुछ ऐसा आपकी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है आगे चल के? साजिद भाई भी है, अब्दू है, साहित सरोवर मेरी बात बहुत बार हो गई भाई ने क्या कि मेरा वीडियो शूट करेंगे ऐसा वैसा नहीं क्या आपको सामने देख रहे यहाँ देखने का क्या चलेगा बोला बोला भाई वो क्वेश्चन में भूल गया भाई अब मेरा सवाल ये था मुनेकर जितला है काय मनमे बोल काय मुनेकर जितला है काय मनमे हो मराठी मध्ये एक मराठी मध्ये बोला कोणत्या चॅनल मध्ये बोलना तिचा अंबई भी हिंदी मातृभाषा उसके साथ में मराठी सगळा माहिती काय विषय काय नाही पुणेकर काय सांगू आता नाही का तुम्हाला लय प्रेम लय लय तर काय सांगू यार मी गोष्ट आहे असं वाटते नाही का सांगू का नाही होत पण नको नको होते मला इन हाँ क्या वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता सही में बहुत अलग मतलब उधर स्टेज पे तो ऐसा हो गया था क्या करूँ क्या नहीं हो गया था नहीं क्या मेरे को और रो के हंसू हो गया था नहीं क्या तो अभी भी क्या बोले ना भाई आप विनर घोषित हो चुके हैं जो अदर विनर लेकिन जैसे कि दूसरे कंटेस्टेंट थे प्रियंका थे शिव ठाकरे वो एक बड़े फेस थे हाँ। लेकिन आपको डिजर्व करा दिया आपके फैंस ने आपको जिताया तो कलर्स और सलमान सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ शाउट आउट टू कलर्स शाउट आउट टू भाई ने क्या भाई ने मतलब जो क्लास लेने के ना भाई वो हक वाली क्लास थी नहीं क्या जिसको समझा उसको समझा था भाई अंदर टीम ने भी बहुत सपोर्ट करा और मतलब डिजर्विंग है ब्रो और फेस मतलब क्या मालूम भाई लोग अभी बताओ तुम लोग ही डिजर्व करता कि नहीं अभी मैं क्या बोलूँ पब्लिक को यार मैं कैसा मेरे फैंस कट्टर भी तो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था नहीं ना अनफेयर शॉट ही नहीं था हाँ हाँ ऐसे तो कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ मैं मंडली से कांटेक्ट में रहना चाहूँगा नहीं क्या मतलब मेरे को बस हो गया नहीं क्या अभी तुम्हारे नवे नवे चेहरे दिख रहे तो अच्छा लग रहा थोड़ा वो चेहरे देख देख के मैं वही सब कंटल गया मैं क्या सीखा कौन सा एक सवाल पूछो एक सवाल जर्नी का बताएगा दैट्स इट मैं जवाब दूं या फिर आप मैं जर्नी से ना बस अरे एक सवाल बताओ दादा तुम्ही जर्नी मध्ये बोला एक दैट्स इट दैट्स इट मैं बोल दूं दैट्स इट प्लीज भाई लोग मैंने क्या मतलब मेरी जर्नी नहीं क्या मैं जितना सीखेला ना मेरे को वो बाहर वापरने को हैगा रियल वर्ल्ड में नहीं क्या जो मेरी अम्मी अब्बा मेरे को बताने के ना वो भाई भी मेरे को सेम चीज़ बताने के इसलिए हिट होने की मेरे को नहीं क्या
और चीज़ एक और चीज़ नहीं बोलने का सीखा मैं किसको नहीं नहीं बोलता आता था मेरे को नहीं, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बहुत। नहीं बोलने का सीखा मैंने मेन तो नहीं, क्या अगर देखने का तो मेरे दोस्त लोग पूछने के ना पैसे भी सीखा विषय नहीं का, मैं नहीं नहीं बोल पाता था किसको, वो बोलने का सीखा। बाकी तुम्हारी दुआ है, थैंक यू सो मच। हाँ अलहमदिल्ला दुआ से तुम्हारी, आपकी दुआ से ठीक है अलहमदिल्ला। कौन सा रैप करूँ बोलो ना, क्या नाम वाले सुनो मेरे गानों पे, सुनो ना भाई लोग मेरे गानों पे हाथ उड़ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती मत मार उसको, उसकी नहीं गलती, सिर्फ रिलेट वो करती, पीटन बोले तो देखे लोग की भर्ती में गर्दिश में भर दी, आवाज़ थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी, पीटन से बीटन तक प्लीज चलती, तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। बिग फैन सर, बिग फैन ब्रो, साथ में कर लेते हैं बात करेंगे आराम से, ठीक है। आप दोनों ने दिल जीता। अच्छा ऐसे मुझे आवाज नहीं आएगी, हाँ एक एक करके पूछो। फर्स्टली यू हैड अ ग्रेट जर्नी, ट्रॉफी तक आप नहीं पहुंच पाए, काफी डिसअपॉइंटेड, काफी लोग डिसअपॉइंटेड, आप सेंटर डिसअपॉइंटेड इस चीज को लेके, आपको सेंटर दिखता है? मैं फ्रैंकली बताऊं मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि भगवान ने इतना दिया ना, सच बता रही हूँ बहुत होता है, मतलब आपका चाह अगर रखते रहोगे, लालच तो बुरी बला है, कितना भी आप चाहोगे ज़रूरी नहीं उतना मिले, तो आई एम सो हैप्पी मुझे इतना मिला, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो मिड में भी अगर निकलती तो भी मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एट द एंड, सो आई एम टोटली ओके, मैं बहुत खुश हूँ, ट्रस्ट मी गाइस। एक पूछो ये सारे ऑफर्स लोगों को पता, मुझे क्यों नहीं पता मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं गाइस, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बिग बॉस हाउस से कदम बाहर रख के स्टेज पर गई, स्टेज के बाद में सीधा आप लोगों के सामने हूँ, आई हैव नो आइडिया, ना मेरे पास फ़ोन है, मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हो आपके मुँह में घी शक्कर। लेकिन आपको नहीं लगता आपके साथ गलत हुआ है प्रियंका? मुझे भी जानना है ऐसा क्या हो गया हाँ तो शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा, ऑफ कोर्स कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे लगा होगा कि नहीं ये डिजर्व करती है, जीतना चाहिए इसे, ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स का अच्छा ही चाहते हो, तो आई एम श्योर कि शायद इस वजह से कि शिट नहीं जीती तो वो नॉर्मली शायद उसको रोना निकल गया, बट हाँ शॉकिंग मेरे लिए ये ज़रूर था कि अंकित रोया लेकिन आपने अक्षरा ने काफी खेला, शिव ने खेला, गेम अपनी गेम खेली, लेकिन जो एमसी स्टैन है जिसने कुछ नहीं किया वो ट्रॉफी लेके चला गया। फॉर मी आई गेस सी मेरे को स्टैन ना हमेशा से एज अ पर्सन बड़े बड़े अच्छा बंदा है वो, ठीक है, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, एंड एट दी एंड बिग बॉस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी राइट, उसमें आप गेम खेलो चाहे टास्क अच्छे से ना करो, चाहे आप शतरंज की बाजियाँ खेलो, कुछ भी करो, इट्स नॉट अबाउट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इट्स नॉट अबाउट दैट, आप एज अ पर्सन कैसे हो वो मैटर करता है, और कहीं ना कहीं आई थिंक एमसी ने सबसे दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्शन बना लिया होगा, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को शायद इतनी पसंद आई, आई एम श्योर आई है, तभी आज ट्रॉफी उसके हाथ में है, तो मुझे इस चीज़ का कोई आई थिंक हर इंसान से अलग होते हैं, सब इंसान अलग होते हैं, कोई भी इंसान सेम तो नहीं होता है, हर इंसान की लैंग्वेज भी अलग होती है, पर उस पर इंसान कैसा है हम उस चीज़ की मोहर नहीं लगा सकते,
वो जहाँ मतलब जैसा भी है वो बंदा, दिल का मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके दिल में खोट है। हाँ मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे लगता था वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फ्रेंड्स से, जो मुझे लगा था, बट आई रियली लाइक हिम, ऐसा नहीं है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जज करने वाली होती कौन हूँ? अगर मैं जज करती मेरी वीकेंड के बारे पे इतनी बैक टू बैक थोड़ी ना क्लास लगती। एक एक करके हाँ, जनता ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, वो चाहते थे कि ट्रॉफी आपके ही नाम हो, और ऐसा हर दिन डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियंका चहर चौधरी इज द विनर, बट ये एज अ शॉक मिला है सभी को कि एमसी स्टैन इज द विनर। हाउ डू यू टेक इट, क्योंकि सबकी नजरों में आप ही विनर हैं। तो बस यही तो चाहिए जनता की नजरों में, अगर मैं विनर हूँ तो बस यही तो चाहिए, दिल जीतना चाहिए, ट्रॉफी मिला है, आपको नागिन शो मिला है, हमको ऐसी खबर मिली है नागिन मिला है, ये सारी खबरों का मुझे कोई ना कुछ नहीं पता। मैंने आपको नागिन शो दिया, ऐसी खबरें मिली हाँ दिया है, मुझे नहीं पता। अरे भाई अभी अभी मैं उनके ये सारे इल्जाम झेल कर आई हूँ, बिग बॉस सबसे ज़्यादा फेयर इंसान है, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि वो बायस हैं और समथिंग लाइक दैट। मंडली की तरफ वो वैसे भी हो जाता था, वाई, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा थे, तो ऐसा कभी नहीं कि बिग बॉस ने गेम उनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बोला ना कि घर से बाहर निकलना, जैसे सब मुझसे पूछ रहे थे कि शॉक हो क्या थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट हाँ जब मुझे पता लगा अंकित रोया, ये शॉकिंग था। बिल्कुल भी गम नहीं है, रूबीना से कंपेयर करते थे कि आप ही विनर है, कि जो रूबीना मैम करती थी वो भी आप पूरी तरह से वैसी क्वालिटी थी, क्या कहना चाहोगे? तो मैं रूबीना को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट आई एम श्योर शी इज़ अ ग्रेट लेडी, जितना मैंने सुना है, और जितना भी अगर कंपेयर करते थे तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखी होंगी, आई रियली डोंट नो, बट या ग्रेट। प्रियंका, यू हैव बीन अ वेरी पैशनेट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस, आपने डे वन से आपने कहता है कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, जीत के जाऊंगी, पर एक ऐसा इंसान जिसने दो महीने ये बोला कि मुझे घर जाना है, एंड ही गॉट द ट्रॉफी, एंड ही गॉट द ट्रॉफी, सो डू यू थिंक इट्स अ फेयर डिसीजन कि जितने पास दिल नहीं है उनको वोट मिला? वोट मिला यार, वोट का गेम है भैया। तो नहीं, आई थिंक येस आई एम, वाई, बिकॉज सी एट द एंड जनता का डिसीजन है, मैं कौन होती हूँ जनता के अगेंस्ट जाने वाली, जब अगर जनता इतना कनेक्ट की है एमसी से, मुझे खुद को, मैं उससे खुद कनेक्ट करती हूँ, मंडली का हिस्सा होते हुए भी वो बंदा मुझे सही लगता था, तो ऐसा नहीं कि मंडली के बंदे से बंदे या बंदियाँ सही नहीं लगते थे, सब सही लगते थे, लेकिन उसका मुझे हमेशा से लगता था यार ये जो भी है ना, मतलब सॉर्टेड बंदा है, दिल का बड़ा साफ सा बंदा है। तो मैं बताती हूँ, वो मैंने मेरे लिए नहीं बोला था कि किसी और को दे देते खतरों के लिए, वो मैंने शिव के लिए बोला था, क्योंकि शिव को जाना था खतरों में, और क्योंकि उसको नहीं जाना था, वो पहले से क्लियर था, अब उसका कॉल है, वो सी हम किसी को गलत, बिग बॉस में जाके मैं ये सीख गई हूँ कि कुछ भी गलत सही नहीं है, आपकी नज़र में कुछ सही होगा, मेरी नज़र में वो गलत होगा, मेरी नज़र में शायद कुछ सही होगा, वो आपकी नज़र में गलत होगा, ये सब सिचुएशनल होता है, अपना अपना नजरिया होता है। कार्तिक है तो क्यूट। पर हाँ यार, ये सब जो नाम है ना, ये वो नाम है जो मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं सलमान खान के साथ मूवी करूंगी, या कभी जो आपने बोला शाहरुख खान के साथ ऐसा कुछ, राइट राइट, तो उन्होंने जब बोला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीरियल किया, वो भी मेरे को बहुत बड़ा लगा, देन बिग बॉस में आई मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा था, अब अगर मूवी भी मिलेगी तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है, तो आई एम नॉट, हाँ इट्स लाइक कि ठीक है, जो मिल रहा है भगवान जो दे रहे हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बिग बॉस में मिस क्या करूँगी मैं? अब जनता कौन सी, क्या मिस करने वाली है पूरा?
बिग बॉस एंथम आई गेस वो आदत हो गई थी सुबह उठने की, जो सुबह सबसे पहले कॉफ़ी में पीती थी ना शांति में, क्योंकि वही टाइम होता था शांति का जब सब सो रहे होते थे और मैं उठ के मेरी कॉफ़ी पीती थी। किसी को नहीं, किसी को नहीं ब्लॉक करूँगी, जो चीज़ें वहाँ पर थी वो वहाँ की वही है, मैं यहाँ पर मेरे लिए सब इक्वल है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा, सब प्यारे बंदे हैं यार। थैंक यू सो मच। कौन रणदीप सर से मिलूंगा? प्रियंका एक सवाल है मेरा, शेरा के संग के साथ आपकी मूवी आने वाली है, उसके उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सारी मूवीज का मुझे क्यों नहीं पता है, यही कहना चाहूंगी, मुझे कुछ आती है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रणदीप, रणदीप, प्रियंका, पहले तो पहला रिएक्शन है कि आई शपथ ब्रो, आपन पोस्टला सलमान खान के बाजू में अगर मैं खड़ा हूँ ना तो और क्या चाहिए। टॉप टू बड़ी बात है कि आप बिग बॉस मराठी के बाद आपको लगता है ना कि ये उड़ा देंगे अपने को फटाफट, तो अपन वहाँ तक पहुँचे ना। और एक मेन होता है कि मंडली का कोई जितना नहीं चाहिए ब्रो, फिर मंडली में अगर ट्रॉफी आती है तो आईचा गाँव है तो और क्या चाहिए। हाँ पर मुझे से लगता है शिव और प्रियंका अच्छे प्लेयर थे, जो एमसी स्टैंड है वो अच्छा इंसान था और उसने ट्रॉफी के लिए कभी खेला ही नहीं है, तो शायद वो चीज़ें थी। मैंने हमेशा बोला है जब भी मुझे पूछा है, अगर यहाँ पे सच्ची में जो गेम के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है वो एमसी है, तो मेरे को लगता है वो डिजर्व करता है और उसका हक है उस पर। और अभी जो प्यार करते हैं ना लोग, मेरे को पता है कि हमें साथ में एमसी स्टैंड जो बाहर शायद था वो मुझे नहीं पता था वो पर्सन कैसा था, इसीलिए हमारी दोस्ती हुई और मुझे लगता है हक है उसका और मेरे को मजा इसलिए कि वो मंडली का हिस्सा है। आप रियल लाइफ में भी अगर ओला बुक करते हो तो शेयर करते हो दोस्त के साथ, वो गलत होता है। बिग बॉस में दोस्ती करना मतलब एक प्लस पॉइंट है, मेरा तो प्लस पॉइंट है कि मैंने दोस्त किए और वो दोस्त मेरे लास्ट डे तक रहे। सेंटर इकड़े बगो थोड़ा देखते रहो, हाँ तो मुझे लगता है कि दोस्ती हम सब यहाँ पे अभी जितने भी लोग घर जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे जो दोस्त होता है, उसमें गलत नहीं होता है। और मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं अच्छे लोगों के साथ था और वो दोस्ती जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगी। तो यार मंडली है ब्रो, तो मेरे को कोई गलत नहीं लगता उसमें। और वो होता है कि गेम के लिए ग्रुप बनाना और एक ग्रुप बन जाना, तो मेरे जितने बंदे अब्दू से लेके साजी सर, एमसी, नम्या, सुम्ब्या, ये लोग अपनी अपनी छाप छोड़ चुके और मेरे को मजा है इनके साथ। पर एक शिव, आपका जिस तरह मराठी का गेम था वो काफ़ी अलग था, हिंदी वाला गेम काफ़ी अलग था, वो कितना आपके फेवर में गया है? मुझे ऐसा लगता है कि मराठी में लोग अलग थे, मेरे रिएक्शन अलग थी, हिंदी में लोग अलग थे, रिएक्शन अलग थे। कैसे होता है, लोग जैसे रहेंगे वैसे रिएक्ट करेंगे ना, सवाल जैसे होता है वैसे जवाब मिलेगा। तो मेरा पहले दिन ऐसे था कि मुझे उंगली नहीं करना है बट मैं सहन नहीं करूँगा ब्रो, मतलब अगर आप कुछ ऐसे जो फास्ट आप दोगे वही फास्ट मैं आपको दूंगा। पर मेरे को मज़ा आया और सब कंटेस्टेंट सही थे इसलिए वो फिल्म भी हिट हो गई पूरी। अगर इसमें मैं बोलता हूँ कि अर्चना से लेके अब्दू भी, साजी सर भी, श्रीजिता भी, यहाँ पे एक भी नहीं होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता जो एक्सटेंड हुआ सीजन, मुझे पता नहीं अभी तक, बट इतना तो है मज़ेदार गया है और सबको प्यार मिल रहा है, काम मिल रहे हैं सबको। ऑब्वियसली मतलब जो रियलिटी शो करता है उसका तो एक होता है कि बाबा तेरा क्या पप्पा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, तेरे को रास्ता ऐसे ही बनाना पड़ता है
कि आपको रियलिटी शो थ्रू एक्टिंग में आपको थोड़ा बहुत काम मिले, और अभी इसके बाद रियलिटी शो कौन सा खतरों खिलाड़ी तो अगर वो मिला ही तो आईचा गाँव उधर भी वाट लगाएंगे तुम। हाँ मराठी ऑब्वियसली जो मिट्टी से हम निकलते वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट एक होता है ना कि आप महाराष्ट्र से निकले हो, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम तो करेंगे बट आपको इंडिया भी जाने यार ये तो सपना होता है। मुझे लगता है 10-12 बार अगर वो नॉमिनेट हुई है तो उसमें एक बार बचाया होगा मंडली ने, 10 बार बचाया वो लोगों ने बचाया ना, तो लोगों ने क्यों बचाया, मतलब उसका गेम अगर अच्छा नहीं लगता है। बट एक होता है कि वो 18 साल की थी, उसको उसी के लिए लिया गया था, अगर वो शिव ठाकरे जैसी बिहेव करती तो संभुल नहीं होती, या प्रियंका जैसी करती तो संभुल नहीं होती। मुझे लगता है जो कैरेक्टर या जो पर्सन जिस चीज़ के लिए था उसने उसका किया, जनता को पसंद आया इसलिए उसको 10 या 12 बार मेरे से ज़्यादा बहुत बार नॉमिनेट हुए हो और बची है तो उसका हक के। मंडली के लिए स्टेटमेंट देना, अगर मंडली है और वो सच्ची में हक से बोलता हूँ कि वो मेरे साथ वाले फ्रेंड है उनके लिए मैं अगर स्टेटमेंट दूंगा, नहीं दूंगा तो गलत होगा ना यार, दोस्ती निभाता भी नहीं है, इसको निभाना भी नहीं आता है। जब जब मुझे मेरे ओपिनियन या मुझे टास्क करने रहे तब मैंने अकेले नहीं खेला, तब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था मंडली में, गए टास्क ऐसा कर, वो मुझे पता है कैसे करना है। बट अगर जब रिलेशन या दोस्ती निभाने की बात है तो यार मुझे लगता है वो आप बिग बॉस के घर में हो या रियल लाइफ में हो, आपको किसी को जवाब एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता, निभा डालो, लोग बोलते रहेंगे कुछ भी। एक सच्ची तो उसके दिल बहुत साफ है उसका, और उसने जब भी बोला है उसने खुद के लिए नहीं कभी बोला है, उसने हमेशा बोला है कि मेरा भाई जीते, और वो बंदा ट्रॉफी के लिए कभी आया ही नहीं था इसीलिए जीता है वो, कि वो जो रहा है ना रियल पर्सन मेरे को मुझे अभी बोल सकता है ब्रो बिग बॉस माइक भी नहीं है, हाँ अभी कोई फर्क नहीं पड़ता इधर कि ट्रॉफी ऑफी, तो इसीलिए ज़्यादा पसंद आया रियल वाला पर्सन, और उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा, तो हम इसीलिए खुश थे कि हमने वो माइंड के घर पे सो के सपने देखे थे, ब्रो ऐसा हो जाए ना दो लोग रहे ना घर में बहुत मज़ा आएगा, और अभी देखा हम उछल रहे थे वहाँ पे कि दो ही लोग दो दोस्त है, और वो मंडली के जो मंडली पे सब गोलियां चला रहे थे ब्रो हो गए। मेरे को 2-3 चीज़ें बहुत चुभी थी कि अगर आप मराठी से हिंदी में जा रहे हो तो मुझे बोला गया था कि यार आप मराठी में ना मराठी में ठीक है पर हिंदी में नहीं चलेगा, लोग अलग होते हैं, पर मेरा मैंने उनको जवाब तब नहीं दिया था बट था कि रहेंगे तो इंसान ही ना, कुछ अलग सीन या कुछ तो नहीं रहेंगे ना, रोडीज़ में भी लोग ही थे, मैं वहाँ तक पहुँचा था, मैंने उससे रेडी की थी, बिग बॉस में भी लोग ही थे और मुझे लगता है हिंदी में लोग ही थे, और थोड़ी थोड़ी वाट तो लगाई ब्रो शिव ठाकरे ने उनके जवाब। लास्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताऊँ क्या, अगर मुझे आप शायद मैं टॉप 2 में नहीं होता या विनर होता या फिर 5वें नंबर पे चला जाता तो भी बोलता कि मैंने मंडली बना के बहुत ही अच्छी चीज़ की, अच्छे लोगों के साथ किया, नहीं नहीं मेरा गेम कुछ मैंने नहीं दी, उसका हक था और वो उसी के लिए बनी थी, मेरी चीज़ होती है कि शायद मैं थोड़ा और भूखा हो गया हूँ, अभी आगे जो जंप रहेगी मेरी और बड़ी रहेंगी, तो मुझे लगता है कोई किसी की ट्रॉफी ले नहीं सकता है, कोई दे नहीं सकता है, सिर्फ इतना है कि हम लोग बैठ के माइंड के घर में एक साथ इमोशन और चिल्लम चाटी कर सकते हैं, वो मैंने किया, पर ट्रॉफी मुझे नहीं लगता है उसको किसी ने दी, उसका हक था और जनता ब्रो कितना प्यार करते हैं। शिव आपकी आई ने एक इंटरव्यू में कहा था, शिव आपकी आई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बैक टू बैक रियलिटी शो नहीं करोगे, इसको लेके आपका क्या विचार है, खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हो चुका है, अभी बैक टू बैक ही होगा, पर मेरा ना सपना तो वो वाली बड़ी फिल्म है जिसमें शिव ठाकरे टर्न हो जाए, अभी वो शिव ठाकरे को थोड़ा पसीना भी बहाना पड़ेगा, तो मैं कोई चीज़ ये लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ कि कोई मुझे ऑफर हो मैं चूज़ करूँ, मुझे इतना है कि जो चीज़ें मिल रही है मैं करते जाऊँ, पॉलिश करते जाऊँ खुद को, वो एक्टिंग का शायद सीरियल आ जाए,
फिल्म ना मिले, बट वो होता नहीं, बहुत लोग पॉलिश कर करके वहाँ तक बढ़े। और मैं जिधर अमरावती से आया हूँ, मुझे बहुत बार बताना पड़ा अमरावती नागपुर के पास है, शायद वो भी मैंने अभी अगर थोड़ा बहुत अमरावती पहचानने लगे तो वो मैं भी खुश हूँ। और रियलिटी शो प्लस एक्टिंग में बैलेंस करूँगा, क्योंकि रियलिटी शो में अलग मजा है ब्रो, कुछ तो।